मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का मॉरल साइंस। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर 3, द डिसओबीडिएंट सन। ठीक है, वंस देयर वॉज अ रिच फार्मर इन अ विलेज। एक बार एक अमीर किसान रहा करता था गांव में। ही हैड अ लॉट ऑफ लैंड, कैटल, मनी एंड मेनी सर्वेंट्स। उसके पास बहुत सारी ज़मीनें, जानवर, पैसे और बहुत सारे नौकर भी थे। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। ही लेड अ हैप्पी लाइफ विद देम, उनके साथ बहुत ही खुशी खुशी वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आफ्टर फ्यू ईयर द यंगर ऑफ द टू सन्स बिकम अनहैप्पी। कुछ साल के बाद जो दो बेटों में से जो छोटा बेटा था वो बहुत ही नाखुश था, मीन्स उदास था। ही आस्क्ड हिज फादर फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। वो अपने पिताजी से बोलता है कि जो भी उसका प्रॉपर्टी है उसको मीन्स बांटने के लिए, ठीक है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो बंटवारे के लिए, मीन्स बांट दे उसके दोनों भाई में, इसके लिए बोलता है। हिज फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू डिमांड लाइक दैट। तो जो उसका पिता होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम ऐसी चीज़ों के लिए मुझसे डिमांड नहीं कर सकते। हिज मदर ऑल्सो एडवाइज्ड हर सन नॉट टू डू सो। उसकी जो माँ होती है वो भी उसे एडवाइस करती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तुम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या होता है, बट ही वुड नॉट लिसन टू हिज पेरेंट्स वर्ड। लेकिन वो अपने पेरेंट्स की बात वो सुन ही नहीं रहा था। ही गॉट हिज शेयर एंड सोल्ड देम। तो फिर उसे उसका वो शेयर मिल जाता है और वो उसे बेच देता है। ही हैड अ ह्यूज अमाउंट विद देम, और फिर उसे बेचने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा पैसा मिल जाता है। वंस ही गॉट मच मनी, ही गॉट बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। तब जब उसे पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो उसे अपने दोस्तों की बैड कंपनी मिल जाती है, ठीक है, बुरी संगत मिल जाती है दोस्तों की। विद दिस अमाउंट ही ट्रैवल टू अ डिस्टेंट कंट्री। तो वो उस पैसे से दूसरे देश मीन्स चला जाता है, वेयर ही डिड ऑल ही विश्ड, और वहाँ पे वो करता है जो उसे करने की इच्छा होती है। ही हैड अनदर बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स देयर एज वेल। फिर उसे वहाँ पे एक और मीन्स बुरी संगत की दोस्ती मिल जाती है। बिकॉज ऑफ दिस, उसकी वजह से ही फेल इनटू एविल वेज, और फिर उसकी वजह से वो बुरे काम करने के रास्ते पे वो चला जाता है। ऑल द मनी वॉज गोन, सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। ही बिकम पुअर, और फिर वो गरीब हो चुका था। सारे पैसे तो ख़त्म हो गए, सारे पैसे वो ख़त्म कर देता है, घूमने में ख़त्म कर देता है, ठीक है, दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ पे उसकी बुरी संगत के दोस्त मिल जाते हैं, ठीक है, बुरी संगति में वो फंस जाता है, गलत काम करने लगता है जिसके वजह से, और फिर जब सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो गरीब हो जाता है। एट दैट टाइम नो वन हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द बैड कंपनी। तो जितने भी उसके दोस्त होते हैं, बुरे संगत के जो दोस्त होते हैं, उस समय उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। सून ही फेल इन टू डेप्ट, और फिर वो कर्ज में डूब जाता है, ठीक है। देन ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक एंड रिटर्न टू हिज कंट्री टू हिज पेरेंट्स। फिर वो जब अपनी गलती समझ जाता है तो वो अपने देश वापस आता है, अपने माता पिता के पास। ही आफ्टरवर्ड ओबेड हिज पेरेंट्स एंड लेड अ हैप्पी लाइफ। फिर उसके बाद वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है और फिर खुशी खुशी अपने लाइफ को जीता है, ठीक है, लाइफ को बिताता है। इस कहानी का मतलब यही है कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, मीन्स अपने हमें माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात को माननी चाहिए, ठीक है, वो जो भी कहते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अ रिच फार्मर हैड डैश सन टू सन्स। आफ्टर फ्यू ईयर्स द डैश ऑफ द टू सन्स बिकम अनहैप्पी। यंगर यहाँ पे फिल करेंगे। थर्ड है द यंगर सन हैड अ डैश अमाउंट विद हिम, ह्यूज। फोर्थ है नो वन हेल्प्ड हिम आउट ऑफ द बैड कंपनी, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे। अ रिच डैश हैड अ लॉट ऑफ लैंड, कैटल, मनी एंड सर्वेंट्स। इसका आंसर है फार्मर। यहाँ पे हम लोग फार्मर को फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द यंगर सन आस्क्ड हिज डैश फॉर अ शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। फादर फार्मर, मर्चेंट या लैंडलॉर्ड। फादर, ठीक है। थर्ड है विद दिस अमाउंट द
डैश सन ट्रैवल टू अ डिस्टेंट कंट्री द यंगर सन. फोर्थ है द यंगर सन आफ्टरवर्ड ओबेड हिज डैश एंड लेड अ हैप्पी लाइफ. टीचर मदर ब्रदर या पेरेंट्स. आंसर है पेरेंट्स. ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा, रीड किया, ठीक है, और एक्सरसाइज भी इसके हो गए. सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे.